पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करना चाहती है, अब वो वक्त नहीं रहा। इंशाल्लाह ताला मर्जी के कोर्ट बनाना, मर्जी के फैसले लेना, मर्जी के जज लगवाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कबूल नहीं। इंशाल्लाह हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और इस पर एहतजाज भी करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको बताएं, एक बात याद रखो, खान साहब वही लीडर है आपका जो कहते थे मैं खुद झुकूंगा ना आप लोगों को झुकने दूंगा। वो आपके लिए विजन रखते हैं, वो आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो आपके हकूक के लिए एब्सोल्युटली नाट कहते हैं। इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द बाहर आएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर आप में होंगे, इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। दो सौ से ज्यादा केस बनवाए गए, 40 दहशतगर्दी के पर्चे करवाए गए, जेल में डाला गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के दिए गए, बुशरा बीबी को मैनहैंडल किया गया, ये पावर कराने की कोशिश की कि लोग भूल जाएंगे। लोग भूलने वाले इमरान खान साहब और इसके नजरिए को भूलने वाले नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये हम वादे करना चाहते हैं, खान साहब के खिलाफ मजीद किसी केस का बनाना, उसको अपनी मर्जी की अदालत में ले जाना, अपनी मर्जी का फैसला लेना हमें कबूल नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के 22 फैसलों की तरह आइंदा ये फैसले नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है, ये 22 फैसले हम नहीं मानेंगे। हम पूरे मुल्क के लिए निकले हैं, जमहूरियत के लिए, इस महंगाई के खिलाफ, कानून कानूनीत के खिलाफ, हम इस जुल्म के खिलाफ निकले हैं, ये जुल्म के अंधेरे के खिलाफ हम निकले हैं। लेकिन वो लोग जो इख्तदार के कॉरिडोर की चाबी रखते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं, अपने कौम और मुल्क के बारे में सोचो, इस जमे गफीर को देखो, इन लोगों को अकलियत ना समझना, इस लोगों के आवाज को मत दबाना, इन लोगों को गैर अहम मत समझना, रास्ते मत बंद करो, रास्ता निकालो पहले से कि मुल्क बंद गली में चले जाए, प्लीज रास्ता निकालो। ये याद रखो, जिसने कौम की आवाज को दबाया है वो वहां कौम मुल्क नहीं रहती, वहां कोई इदारा नहीं रहता। हमारी कोशिश ये है, खान साहब 6 महीने तक इस जलसे का इंतजार करते रहे, यही खान साहब का कहना था, हमने जलसा करना है तो कानून के मुताबिक एनओसी के साथ करना है। आज हर जगह कंटेनर पड़े थे लेकिन खान साहब के टाइगर फिर भी पहुंचे। इंशाल्लाह खान साहब की आवाज पे लब्बे कहेंगे और खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला रिहा होंगे। ये सारी कौम गवाही दे रही है कि ये सारी कौम किसके साथ है, कैदी नंबर 804 के साथ है, कैदी नंबर 804 के साथ है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सब मिलके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आज जब घर जाएं शुक्राने के नफल अदा करें। अल्लाह ने कामयाब किया, अल्लाह ने कामयाब किया आपको, खराज तहसीन अली अमीन खान गंडापुर, आपने वादा किया इमरान खान से और वो वादा यह पूरा करके दिखाया। माशाल्लाह जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं, ये ग्राउंड सिर्फ नहीं भरा, पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद भर गया। जाओ कह दो नून से, मत टकराओ जुनून से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोग इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करें, पीछे तक मेरे साथ मिलके रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रहा करो।